हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। अभी हम यहाँ पे दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट आइसलैंड ऑफ रूल सर्वाइवल, जिसमें बहुत सारे लोगों का मेरे से क्वेश्चन आया कि लोगों का जब आईडी बैन वगैरह होता है तो हम उस आईडी को अपना अनबैन कैसे कर पाए। ठीक है, उसी के रिकॉर्डिंग आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको यहाँ पे लाइव मैं आपको यहाँ पे सब कुछ, जैसे मैंने अपना आईडी को अनबैन किया था वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे करके सेम टू सेम वही आपको दिखाने वाला हूँ। आपका भी आईडी कैसे अनबैन होगा उसके ऊपर मैं ये छोटा सा वीडियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना। आपका ये आईडी बिल्कुल ही 90% तक बोल सकता हूँ कि चांस होता है कि आपका आईडी अनबैन हो जाए, अगर आप हैक टूल वगैरह यूज नहीं किए हो तो। फिलहाल तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, तभी आपको इसमें जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आई थिंक वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको अपना जो आईडी जो मेरा बैन हुआ था उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली जो मैंने अपना आईडी अनबैन कराया था वो एटलीस्ट मेरा जो आईडी है 10 सालों के लिए बैन हुआ था, और जब मैंने मेल वगैरह किया था तो मेरा जो आईडी है वो अनबैन हो गया था तुरंत। और यहाँ पर देख सकते हो ये है मेरा स्क्रीनशॉट जो कि यहाँ पर 2032 में ओपन होने वाला था 7वें मंथ में। ठीक है, तो फाइनली जब मैंने इनको बहुत सारा मेल वगैरह किया तो मेरे को ये इन्होंने आईडी अनबैन किया, वो भी इन्होंने 2022 में किया 8वें मंथ में अगस्त में 12 तारीख को मेरा आईडी अनबैन हो गया था। ठीक है, तो फाइनली क्या क्या कुछ मैंने किया है वो सब कुछ मैं आपको इसमें डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली जो इसमें मैसेज लिखा हुआ है ये आपको बहुत आगे काम आने वाला है, क्योंकि आईडी अनबैन होने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूँ अगर आपका आईडी अगर अनबैन नहीं होता तो आपको उनको मेल करते रहना। ठीक है, और साथ में इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है और साथ में आपको क्या चीज़ आपको रखना पड़ेगा अपने गेम की आईडी का। तो सबसे पहले अपने जो गेम आईडी का जो नाम है वो आपको रखना होगा, जैसे कि मेरे गेम का आईडी का नेम है Patel91, तो आपके नाम जो भी हो गेम में वो उसको आप इजीली आप सेव करके रखना। और साथ में जो उसके नीचे का जो आईडी होता है कैरेक्टर आईडी वो अभी आपको सेव करके रखना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा आईडी है इन्होंने मैसेज डाला कुछ दिनों के बाद, ऑलमोस्ट एक दो दिन बाद फिर से मेरे को मैसेज आया। जब मैंने अपना लास्ट डे ओपन करके देखा तो 8 अगस्त में 12 तारीख को ओपन होने वाला था, तो इतना दिन मैंने वेट किया। मैंने बोला जब मेरा आईडी ओपन हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पर इसका कम्प्लीट आपको ट्यूटोरियल आपको बना के दिखा दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो आईडी का जो कैरेक्टर आईडी नंबर होता है वो कहाँ से आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपको सबसे ऊपर में आपका नाम दिख रहा होगा, जैसे मेरा दिख रहा ऊपर Patel91, और नीचे में दिख रहा है आपको कैरेक्टर आईडी, उसको आप वहां से जाके कॉपी कर सकते हो। पेंसिल वाला निशान पे जैसे क्लिक करो तो आपको ये कॉपी हो जाएगा वहां से। ठीक है, वहां से कॉपी करने के बाद इजीली इसको नोटपैड वगैरह कहीं भी इसको अच्छे से लिख करके रख लेना, जैसे कि आपका आईडी का भी अगर इन फ्यूचर अगर आपका बैन वगैरह होता है, बैन अगर पड़ता है, अगर आपने कोई भी हैक टूल वगैरह यूज नहीं किया है तो आपका ये बहुत आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप संभाल के इसको सेव वगैरह करके रखना। जिस वाले मेल आईडी से मैंने इनको मेल किया था ऑलमोस्ट वो लास्ट डे का ही मेल है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और या तो आप स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हो। तो फटाफट चलते हैं जहाँ पे वो मैंने मेल आईडी जिन लोगों से मांगा था वो आपको मेल आईडी पे आपको दिखा देता हूँ एक बार एक्चुअली वो मेल आईडी है क्या। ठीक है, बेसिकली आपको ये वाला जो मेल आईडी आपको लास्ट डे का आपको जो गेम है उस पर आपको मिल जाएगा इजीली। आप प्ले स्टोर से भी जाके इनका निकाल सकते हो या फिर एप भी पे से भी इनका जाके निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं सीधा मेल आईडी पे, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे मेल किया है, वो कैसे स्टेप बाई स्टेप मेल वगैरह करना है इनको, ताकि आपको उनके तक मैसेज पहुँचने के बाद वो क्या रिप्लाई देते हैं वो उसका भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। ठीक है, फाइनली मैंने ऐसे इनका मेल आईडी को कॉपी कर लिया, तो इसके बाद चलते सीधा मेल आईडी पे, और सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल से लिखा रहेगा। ठीक है, जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ इनके मेल आईडी पे वो भी आपको दिख जाएगा। फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो उनको मेल वगैरह भेजा था, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में डाला हुआ है आईडी अनबैन, और नीचे जितना भी कुछ मेरे को लिखना था ऑलमोस्ट सेम आप लोग लिखना, बट इसमें आपको एक चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बेसिकली चेंज करने के लिए आपको गेम का आईडी और जो आपका कैरेक्टर आईडी वो दोनों आप केवल वहाँ पे चेंज कर लेना, जो भी सेम लिखा हुआ है मैंने सेम टू सेम उनको मेल कर देना। ठीक है, सेम मेल करने के बाद आपको उनके तरफ से एक रिप्लाई भी आता है। ठीक है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मेल वगैरह कर कैसे करना, वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इनको मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार इनको मेल किया था, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार इनको मैसेज किया था, उनका 3 से 4 बार उनका रिप्लाई सेम ही आया था ऑलमोस्ट।
अगर मेल भी करते हो तो अपने जो मेन आईडी है उसी के ईमेल एड्रेस से ही आपको इनको मेल करना होगा, तभी ये लोग आपका आईडी अनबैन करेंगे। अगर आपके पास अगर कोई अच्छे खासे का फ्रेंड वगैरह हैं तो उनके मेल आईडी से भी आप इनको मेल कर सकते हो। जैसे कि दो तीन लोगों का मेल आएगा अगर एक ही आईडी का, तो वो हो सकता है आपका बहुत जल्द आपका आईडी अनबैन हो जाए। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन में आपका आईडी अनबैन हो जाए, या फिर एक से लेकर दो सप्ताह के बीच ये लोग आईडी अनबैन कर देते हैं जो इनका मैसेज वगैरह आ जाता है। तो मैंने इसमें क्या लिख रखा है आप लोग इसमें देख पा रहे होगे, जैसे मैंने इसमें सब कुछ लिख रखा है, मैंने कोई हैक टूल वगैरह यूज़ नहीं किया था। विदाउट रीज़न माई आईडी भी 10 ईयर्स टू बैन हो गया। ठीक है, यही सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, जो कि ये सिंपल सा है, किसी सिंपल भाषा में लिख सकते हो। मैंने जो अपना जो बैन वाला जो स्क्रीनशॉट था जो कि मेरे को मिला था, रिसीव हुआ था 10 सालों का जो बैन हुआ था, जो जिसका मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले रखा था। ठीक है, ये जो इसमें जो स्क्रीनशॉट में जो मैसेज लिखा हुआ है इसको आपको कहीं पे आपको नोट कर लेना भी है। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज जब मेल वगैरह करोगे तो उस टाइम पे जब उन्होंने जब रिप्लाई वगैरह किया तो उसमें आपको ये मैसेज आपको काम आने वाला है। ठीक है, जो भी इस वाले स्क्रीनशॉट पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों का फाइनली मेरे को मेल भी आ जाता है, ऑलमोस्ट 24 आवर में इनका मेल आता है, साथ में एक लिंक भी मेरे को मिलता है। ठीक है, बोला जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करो और साथ में इसमें जो भी डिटेल्स वगैरह ये लोग मांग रहे हैं उसमें इस सारे डिटेल्स को फिल भी करना होता है। ठीक है, तो फटाफट चलते इस मेल पे, आपको चल के आपको दिखा दे एक्चुअली मेल में ये लोग क्या क्या इसमें सब कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली मैंने यहाँ पे मेल पे भी क्लिक किया है और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले आपका जो जिस दिन आईडी बैन हुआ था उस दिन का डेट चाहिए, और उसके बाद रोल आईडी में आपका चाहिए जो गेम का आईडी होता है, जैसे पटेल 91, तो वही आपको यहाँ पे आंसर योर आंसर में आपको पटेल 91 डालना है, या फिर जो भी आपका आईडी का नेम हो। ठीक है, इन गेम नेम सॉरी, यहाँ पे आपको कैरेक्टर आईडी डालना है, कैरेक्टर आईडी जो नंबर वाला है ना, कैरेक्टर आईडी वो आपको डालना है। इन गेम नेम में आपका नेम डालना है सिंपल सा, जो भी आपका गेम के आईडी का नाम हो। ठीक है, वो यहाँ पे नाम डाल दीजिए, ऊपर वाले में कैरेक्टर आईडी डालना है। कैरेक्टर आईडी डालने के बाद नीचे में भी आपको एक चीज़ मांगा जा रहा है। ठीक है, नीचे में क्या है, लॉगिन एरर मैसेज, जो कि आपको लॉगिन करते समय वो जो बैन वाला मैसेज आ रहा है उसको सीधा वहाँ से कॉपी करना, या फिर देख करके सेम टू सेम यहाँ पे टाइप कर देना जितने दिनों के लिए आपका आईडी बैन हुआ है। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स में आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको 24 आवर बाद आई थिंक इनको आपके गेम में ये लोग अपडेट कर देते हैं। अगर नहीं करते 24 आवर बाद, तो फिर एक बार इनको दोबारा से सेम टू सेम यही मेल करना। फिर उसके बाद जब इनको मेल वगैरह कर लोगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट में आएगा कि आपका आईडी बहुत जल्द अनबैन होता है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग पूरा का पूरा लिख देते हो कि मैंने इसमें कोई हैक टूल वगैरह यूज़ नहीं किया था, आप लोग चाहो तो मेरा आईडी रीचेक वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ऐसी मैंने कुछ यहाँ पे लिखा था, जो भी कुछ मैंने लिखा था वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा करके चेकआउट कर लेना। आई थिंक जितना भी मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि आपका आईडी से अनबैन हो जाए, जितने लोगों का 10 ईयर के लिए जितने लोगों का अगर बैन हुआ है आईडी, तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे तो मेरा आईडी अनबैन हो गया, तो हो सकता है कि आप लोग का भी आईडी अनबैन हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमें चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन जो ऑल पे प्रेस कर देना। ठीक है, अगर जिन भाई लोग का अगर आईडी बैन हो गया है, ठीक है, या फिर किसी दोस्त का भी अगर आईडी बैन हो गया तो उनका भी हेल्प कर सकते हो, ये वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना, जिनका भी अगर आईडी बैन वगैरह हुआ तो अगर उनके पास तक पहुंचेगा तो वो लोग एटलीस्ट अपना आईडी को अनबैन करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मिलते किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।